पीतल हो या तांबे का बर्तन किचन के कुछ इंग्रेडिएंट से चमकाएं बिल्कुल नए जैसे, पुराने बर्तन को बिल्कुल नया रूप दे दें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पूजा वाले रैक से जो भी हमको पीतल का मूर्ति वगैरह है उसे निकालना है। तो ये घंटी है, घंटी को भी हम निकाल के रख लेंगे, और साथ में जो यहाँ पे दुर्गा जी हैं जो पीतल की हैं तो इन्हें भी हम निकाल के उनको भी हम साफ़ करेंगे। तो घंटी तो हमने 3-4 दिन पहले से ही साफ़ किया है, लेकिन दुर्गा जी तो साफ़ किए 1 महीना से ज़्यादा हो गया, और दुर्गा पूजा है तो इनको साफ़ करके तो इनका पूजा करना बनता है। तो यहाँ पे देखिए इनका आसन और इनका कपड़ा हम हटा लेंगे, चूँकि इनके आसन को भी हमको बिल्कुल साफ़ करना है। अब चलिए हम इसे किचन में लेके चलते हैं। ये तांबे का लोटा है, इसे भी हम आपको साफ़ करके दिखाएंगे। ये बहुत दिन से रखा हुआ है, इसका यूज़ लगभग ना के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक बोल लेंगे, बोल में आधा कप गेहूं का आटा लेंगे और आधा कप ही दही भी लेंगे। दही बिल्कुल खट्टा होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं है तो आप कोई भी दही यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वाइट विनेगर लेंगे, आधा कप ही लेंगे वाइट सिरका, तो इसे भी हम डाल देंगे। अब इन सब का पेस्ट तैयार करेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से चम्मच से फेंट ले, अगर आप हाथ से फेंटना चाहते हैं तो ग्लव्स पहन ले, ऐसे भी आप फेंट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी की स्किन सेंसिटिव होती है तो ऐसी स्थिति में वो ग्लव्स पहन ले। तो अब हम इसे थोड़ा हाथ से अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि सिरका के साथ दही और आटा भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मिक्स करने के बाद जितना भी बर्तन है उस पर इस पेस्ट का लेप लगाएंगे। तो इस तरह से ऊपर चारों तरफ नीचे अंदर जो इसका भीतर की वाला पार्ट है वो सब में हम अच्छी तरह से पेस्ट लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से पेस्ट लगाने के बाद, अब ये तो तांबे का था और ये पीतल का है, तो इसमें भी हम इसी तरह से लगाएंगे। सभी बर्तन में हमको इसी तरह से पेस्ट लगा के, पेस्ट से समझिए कवर करके छोड़ देना है। 25 से 30 मिनट के लिए हम इसे बिल्कुल फूलने के लिए छोड़ देंगे इसमें पेस्ट लगाने के बाद। तो इस तरह से आप सभी बर्तन में, जितना भी पीतल का बर्तन, बहुत सारा बर्तन होता है जो केसदनी निकलता है, जैसे अभी नवरात्रि आ रहा है तो उसमें निकलेगा, या फिर छठ के पर्व में निकलेगा, या फिर हम पूजा पाठ करते हैं तब निकलेगा। तो ऐसे स्थिति में जो पीतल का या तांबे का बर्तन होता है बहुत काला हो जाता है। तो आप इस तरीके से यदि साफ कीजिएगा तो बहुत जल्दी साफ होगा, बहुत कम मेहनत में साफ होगा और बहुत ही चमकता हुआ साफ होगा, लगेगा कि ये पूरा यूज़ में ही ये बर्तन था या फिर नया ही है। तो इस तरह से आप सभी को कवर कर दें, सभी के ऊपर पेस्ट लगा दें। देखिए हमने सारे पेस्ट जो है, सभी पेस्ट पीतल वाले, ये आसन है दुर्गा जी का आसन, इसमें भी हमने पेस्ट लगा दिया है। अब ये देखिए प्लेट वगैरह है उसमें भी हम ऊपर नीचे दोनों ही इसका पेस्ट लगा देंगे। और अब सभी बर्तन में हमने यहाँ पे लगभग सभी में पेस्ट लगा दिया है, पेस्ट भी ख़त्म हो चुका है। अब इसे हम 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 25 से 30 मिनट के बाद देखिए ये स्क्वायर बाइट है जिसे हम पूजा का बर्तन रोज़ साफ़ करते हैं उसी से साफ़ करेंगे, यदि आपके पास ना हो तो नया खरीद लें। अब इसे धीरे धीरे, ज़्यादा जोर देते नहीं, हल्की हाथों से धीरे धीरे हम इसे साफ़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा चमक गया है। इसी तरह से हम सभी बर्तन को धीरे धीरे साफ़ करेंगे स्क्वायर बाइट से, ज़्यादा प्रेशर देने का ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आप हल्का हल्का साफ़ कीजिएगा तो देखिएगा काला काला निकलेगा, अब बिल्कुल चमकदार साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी बर्तन को इसी तरह से थोड़ी थोड़ी, देखिए YouTube में या फिर सोशल मीडिया पे बहुत तरह तरीका से बताया जाता है, लेकिन कुछ नमक से कुछ उबाल के ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हमने आज ये तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये देखिए ये पीतल तांबे का लोटा भी साफ़ हो चुका है, और ये पीतल का दुर्गा जी हैं उनको भी हम इसी तरह से साफ़ कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नया जैसा साफ़ हो जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल नया जैसा साफ हो गया, इसको हम टिशू पेपर से पोंछ लेंगे। यहाँ पर टिशू पेपर से पोंछ के हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, देखिए बिल्कुल नया जैसा, दुर्गा जी पहले कितनी गंदा दिख रहा था, बिल्कुल नया जैसा हो गया है। लोटा भी उसी तरह से बिल्कुल ऊपर भीतर बाहर सब साफ़ कर दिए हमने, उसी तरह से बिल्कुल नया जैसा लोटा भी, इसको भी हम टिशू पेपर से पोंछ के आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए लोटा कितना साफ़ हो चुका है इस तरह से। ये तांबे का है तो ये भी, तांबा भी उतना ही साफ़ होता है और पीतल भी उतना ही साफ़ होता है, तो आप कोई भी दोनों ही साफ़ कर सकते हैं। अब इसको हम पानी से धो देंगे। तो ये देखिए पानी से धोने के बाद भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना चमकदार साफ़ हुआ है। ये दोनों ही देखिए दुर्गा जी, पीतल का भी उतना ही साफ़ हुआ है, तांबे का भी उतना ही साफ़ हुआ है। अभी सभी बर्तन को इसी तरह से धीरे धीरे स्क्वायर बाइट से रगड़ के, और उसके बाद हम इसे
पानी में धो लेंगे। तो इस तरह से हम सभी को थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से रगड़ लेंगे। तो ये दुर्गा जी का आसन है, इनको भी हम उसी तरह से रगड़ ले रहे हैं। इसको भी हम आपको टिश्यू पेपर से पोंछ के दिखाते हैं। ये देखिए एकदम बिल्कुल साफ़ हो चुका है, बिल्कुल चमकदार हो चुका है। तो इसी तरह से सभी को हम साफ रगड़ लेंगे, रगड़ के अब सभी को हम धो लेंगे, फ्लोइंग वाटर में धोएंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी को हमने इस तरह से साफ़ कर लिया है, अब इसे हम धो लेंगे। देखिए धोने के बाद आप देख सकते हैं कितना एकदम बिल्कुल नए की तरह सब साफ़ हो चुका है। कोई भी बर्तन देखिए, आगे देखिए, पीछे देखिए, सभी नया की तरह साफ़ हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इस टिप्स को, इस तरीके से टिप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे। इसी तरीके से आप पीतल या फिर तांबे के बर्तन को साफ़ करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे, ताकि आपके साथ साथ सभी को इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए इस तरह से उम्मीद करते हैं कि इस नवरात्रि में आप लोग इस तरह से पीतल के और तांबे के बर्तन को ज़रूर साफ़ करेंगे, शायद आपको इससे सहूलियत हो साफ़ करने में। तो चलिए नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना के साथ आप लोगों के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।